नमस्कार दोस्तों, ईशान किशन ने आज ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने आज बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में उनको मौका मिला और उन्होंने 131 बॉल पर 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी पारी में 10 छक्के और 24 चौके लगाए हैं और सभी बांग्लादेशी गेंदबाजों को उन्होंने धूल चटा दी। जी हाँ दोस्तों, आज तो उन्होंने अपने बल्ले से कमाल ही कर दिया है। आज उन्होंने भी दोहरा शतक लगा दिया है। आज का यह मैच भारत के लिए बहुत ही खुश नसीब था। जी हाँ दोस्तों, भारत ने क्या बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एक और भारत के लिए यह छठा दोहरा शतक बन गया है जो भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, और बांग्लादेश के खिलाफ आज तो ईशान किशन ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह बांग्लादेश कभी भूल भी नहीं सकता। यह मैच बांग्लादेश को हमेशा याद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का यह तीसरा ओडीआई मैच था। पहला और दूसरा मैच तो भारत हार ही गया था और सीरीज भी गंवाती थी, लेकिन आज का मैच तो बहुत ही रोमांचक हुआ। भारत के जो ऑडियंस है वो सीरीज हारने की वजह से, बहुत सारे ऑडियंस है जो मैच को देखने नहीं गए थे, लेकिन ईशान किशन ने इस तीसरे एक दिवसीय मैच को वाकई में क्या रोमांचक बना दिया है। तो अगर आप भी ईशान किशन के सच्चे फैंस हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब तो उन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम किस लायक के प्लेयर हैं। तो दोस्तों, अब सभी फैंस यही चाहेंगे कि ईशान किशन को मौके पर मौके मिलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ऋषभ पंत को मिल रहे हैं, उसी तरह ईशान किशन को भी मौके मिलने चाहिए। और दोस्तों, अब तो उनको कई सारे मौके मिलेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा आज करके दिखा दिया है। और दोस्तों, आज का यह मैच बहुत सारे ऑडियंस है वह इस गुस्से में नहीं गए थे कि भारत सीरीज हार गया है और क्या करें यह मैच देखकर, लेकिन ईशान किशन ने आज का मैच बहुत ही रोमांचक बना दिया है। तो सभी ऑडियंस सोचते होंगे कि हम शायद यह मैच देखने चले जाते तो ईशान किशन का दोहरा शतक हम वहां ग्राउंड पर ही देख सकते, लेकिन दोस्तों उन्होंने आज का मैच बहुत ही रोमांचक बना दिया है। और अगर आप ईशान किशन के फैन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।